नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे अयोध्या से आ रही खबर के साथ, जहां अवैध कॉलोनाइजर्स की लिस्ट जारी हुई है। अवैध प्लॉटिंग करने वालों की लिस्ट जारी की गई है। 40 कॉलोनाइजर्स के नाम जो हैं लिस्ट में शामिल हैं। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल है। पूर्व बीजेपी विधायक गोरखनाथ का भी नाम लिस्ट में शामिल। मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भी नाम लिस्ट में शामिल। अयोध्या से खबर, अवैध कॉलोनाइजर्स की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का नाम शामिल है। पूर्व विधायक गोरखनाथ का भी नाम शामिल है। मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भी नाम शामिल है। तो कार्रवाई को किस तरह से निष्पक्षता के साथ किया जाए, उसका ये उदाहरण कि ना विधायक बख्शे गए, ना पूर्व विधायक, ना ही मेयर। अवैध कॉलोनाइजर्स की जो लिस्ट जारी हुई है, जिन्होंने अवैध प्लॉटिंग करके कॉलोनियां काटी, उनके लिए ये नाम, जिनमें 40 नाम की ये लिस्ट है, 40 कॉलोनाइजर्स के नाम है, और इनमें अयोध्या विधायक का भी नाम शामिल है, पूर्व बीजेपी विधायक का भी नाम शामिल है, और मेयर का भी नाम शामिल है। बड़ी खबर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार कार्रवाई पर सरकार को घेरता विपक्ष, और ये खबर उन आरोपों का जवाब भी कि नहीं बख्शे जाएंगे जो भी गलत करेंगे, फिर चाहे वो नेता हो या रिश्तेदार। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए, उनसे और भी समझ लेते हैं। 40 कॉलोनाइजर्स की लिस्ट जारी हुई है, जो कि अवैध तरीके से जिन्होंने कॉलोनियां काटी हैं, प्लॉटिंग की हैं। 40 नामों में बीजेपी विधायक, पूर्व विधायक और साथ ही मेयर का भी नाम शामिल है। ये अपने आप में बड़ी खबर है, और मैं चाहूंगी आप दर्शकों को समझाइए कि इतने समय से ये नाम कहाँ छुपे हुए थे। जी पारुल, बिल्कुल आपको बता दें कि जब से राम मंदिर का फैसला आया है, तब से प्रॉपर्टी डीलों की लगातार बाढ़ किया गया अयोध्या में, और कीमत जमीनों की कीमतें यहां लगभग आसमान को छूने लगी। इसी को लेकर के अयोध्या में कई जगह नजूल की जमीन पर प्लॉटिंग की गई। विकास प्राधिकरण लगातार बुलडोजर भी चलवाया, लेकिन कल उन्होंने एक लिस्ट जारी की 40 लोगों पे, जिनमें बीजेपी के वर्तमान विधायक सदर के वेद प्रकाश गुप्ता, ऋषिकेश उपाध्याय जो महापौर है यहाँ के, और पूर्व विधायक का भी नाम इसमें शामिल, जिनकी प्लॉटिंग अवैध बताई जा रही है। और बहुत सारी जमीनें अभी निकाली जा रही, उन 40 नामों में बहुत नामचीन लोगों के भी इसमें चेहरे हैं, कुछ सफेद पोष लोग भी इसमें है जिनकी जमीनें हैं। जी पारुल, बिल्कुल, ऐसे में अब ये सिर्फ लिस्ट ही जारी हुई है या इन पर कार्रवाई भी होगी? नाम जारी करने का मकसद, इसके पीछे कार्रवाई ही होना चाहिए, और देखना ये होगा ये कार्रवाई कब तक होती है। और क्योंकि ये संदेश इस लिस्ट के निकलने के बाद तो साफ जाता है अनिल, कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो नेता हो या रिश्तेदार। और ये तमाम नाम जिसमें पूर्व विधायक भी शामिल है, मेयर ऋषिकेश भी शामिल है, एक संदेश, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, तब ये साफ हो पाएगा। बिल्कुल होगी, क्योंकि विकास प्राधिकरण के सचिव हैं विशाल सिंह, लगातार अवैध प्लॉटिनों का ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, जो टूप क्षेत्रों में बनाए गए प्रॉपर्टियां हैं उनको भी घेर रहे हैं, और निश्चित रूप से इनके ऊपर भी कार्रवाई जरूर होगी। जी पारुल, बहुत शुक्रिया।